बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल ताहिर, फैसल हिल्स हेड कोच, और आज हमारे साथ नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर यूनस खान अहमदजई आए हुए हैं। और यूनस खान अहमदजई के बारे में बताता चलूँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान ए से खेले हैं, अंडर 16 खेले, और अभी अफगानिस्तान के जो उनके जो 30 का जो उनका स्क्वाड है उसमें भी हैं। और इनका एक रिकॉर्ड है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान ए की तरफ से डेब्यू में 100 किया है। पहले तो मैं यूनस आपको वेलकम करता हूँ, आप हमारे पास आए। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे लीग्स वगैरह खेले, T10 खेले अबू धाबी में, तो आपने वो माहौल और ये जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बच्चों को माहौल दिया है यहाँ पे, ये कैसे देखा आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया फैसल भाई का। माहौल माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल मजीद साहब का। जैसा कि आपको पता ही, टैक्सला में ऐसा ग्राउंड कभी हमने न देखा। सब प्लेयर वॉक इन में खेलते हैं, पहली बार टैक्सला में ऐसा ग्राउंड बना है। प्लेयर बहुत, जैसे ग्राउंड बनेंगे तो प्लेयर शो होंगे, इसी तरह आज माशाल्लाह ग्राउंड बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, हर दूर दूर से टीमें आती है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद से, अटक से, पिशावर से टीमें बुलाते हो। इसका सिर्फ फ़ायदा टैक्सला के प्लेयरों को होता है, और जो प्लेयर छुपे होते हैं, जो प्लेयर शो नहीं अपने आप को कर रहे ग्राउंड की वजह से, अब ग्राउंड बन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, इस सब ग्राउंड की वजह से। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। और ये मुझे बताएं कि आपने लीग्स वगैरह खेली इंटरनेशनल लेवल पर, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दुबई में, तो अंडर लाइट्स खेले, तो आपने लाइट्स में ये माहौल कैसे देखा? जी बिल्कुल, मैं दुबई वगैरह बहुत खेला हूँ, दुबई ऑस्ट्रेलिया वगैरह, लाइट उन्हीं की बराबर ही समझो, ऐसे अच्छा लाइट मैंने पाकिस्तान में पहले इस एरिया में नहीं देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइट। बहुत शुक्रिया यूनस, उम्मीद करेंगे आप हमारी दावत पे इसी तरह आते रहा करेंगे, और बच्चे जो यंगस्टर आपके साथ खेल रहे हैं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।